हेलो एवरीवन, मैं हूँ अल्पना। हमारे चैनल अल्पना मौसी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ भरवा करेला की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। इसे आप चावल, पूरी या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फिर चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें स्टफिंग की तैयारी करनी है। तो स्टफिंग के लिए हमें चाहिए 2 प्याज, इसे मैंने स्लाइस कर लिया है, और 1 कच्चा आम या खट्टा है। अदरक और लहसुन, तो मैंने यहाँ पे लहसुन का 1 पॉड लिया है। इन सभी को हमें ब्लेंड करने हैं। तो सबसे पहले डालेंगे ब्लेंडिंग जार में अदरक, लहसुन, प्याज, कच्चा आम। अगर आप इसमें आम डालना नहीं चाहते हो तो आप इसमें आमचूर पाउडर डालें, इससे भी इसका जो टेस्ट है काफ़ी अच्छा आता है। 2 हरी मिर्च, तो मैंने यहाँ पे हरी मिर्च थोड़ा सा कम डाला है और यह तीखा कम है। इसमें मैंने बिल्कुल ज़रा सा पानी डाला है। इसका हमें फाइन पेस्ट तैयार करने हैं। तो ये देखिए बिल्कुल बारीक है। ये लिया है मैंने 3 करेला, यह बड़े साइज का करेला है। आप भरवे के लिए इसी टाइप का करेला लें, इससे अच्छी तरह स्टफ़ होता है, या फिर आप छोटे साइज का भी करेला ले सकते हो। तो हमें करेले को इस तरह से काट लेना है। इसे मैंने अच्छी तरह धोकर साफ कर लिया है। तो करेले को हमें 2 बराबर भागों में काट लेने हैं। इसके अंदर जो बीज है उसे हम बाद में निकालेंगे। तो हमें करेले को ब्लांच करना है। कढ़ाई में मैंने डाल दिया है पानी और इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच के करीब नमक। नमक डालने से जो करेला है अच्छी तरह ब्लांच होता है और साथ ही साथ इसका जो कड़वापन है वह भी हल्का सा कम हो जाता है। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, इसे हमें सिर्फ ब्लांच करने हैं ताकि हल्का सा यह सॉफ्ट हो जाए। ब्लांच करने से इसके अंदर जो भी बीज है आसानी से निकल आते हैं। तो ये देखिए पानी में उबाल आ गया है। इसे हमें 3 से 4 मिनट के लिए ही ब्लांच करने हैं जिससे कि हल्का सा यह सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा कलर आ गया है। ये करेला हमारा ब्लांच हो गया है, इसे निकाल लेते हैं और एक बार इसे अच्छी तरह ठंडा कर लेंगे। उसके बाद ही हम बीज को निकालेंगे। तो जब तक हमारा करेला ठंडा हो रहा है स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। पैन को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच के करीब सरसों का तेल। आप भरवा सरसों के तेल में ही बनाएं, इससे बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। जीरा 1/2 छोटी चम्मच, 1 तेज पत्ता। जैसे ही सौते हो जाए इसमें डालेंगे पेस्ट। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा हींग भी डाल सकते हो। अब हमें इस पेस्ट को अच्छी तरह भूनना है। उससे पहले डाल देते हैं इसमें कुछ पाउडर मसाले। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च के पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, किचन किंग मसाला 1/4 चम्मच। इसमें हमें गरम मसाले भी डालने हैं। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। अब इसे अच्छे से भूनना है जब तक कि जब मसाले से ऑयल रिलीज ना हो जाए। तो फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। इसे भूनने में कम से कम 5 से 6 मिनट का टाइम लगता है, तो आप इसे इत्मीनान से फ्राई करें। तो जब तक हमारा मसाला फ्राई हो रहा है इधर हम इसके बीज को हटा लेंगे। तो इसे हमें चम्मच से हटाने हैं, इस तरह से बड़े ही आसानी से निकल आता है। अगर आप इसे ब्लांच नहीं करते तो इसे निकालने में काफ़ी परेशानी होती। इसी तरह से आप परवल को भी बना सकते हैं। परवल का जो भरवा होता है इसी तरीके से आप उसे बना सकते हैं। तो ये देखिए बीज बड़े ही आसानी से निकल आया है। तो हमें सभी करेलों से इसी तरह से बीज निकाल लेने हैं। बिल्कुल हॉलो हो गया है ये। तो आइए देख लेते हैं मसाले को, मसाला पका है या नहीं। काफ़ी हद तक यह पक गया है पर इसमें भी काफ़ी मॉइस्चर नमी है। अगर हम इस तरीके से स्टफिंग को डालेंगे तो बाहर निकल आएगा। तो इसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन 1/2 चम्मच। बेसन डालने से जो भी मॉइस्चर नमी है वह इसे एब्जॉर्ब कर लेता है। बेसन डालने के बाद इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए और भूनने हैं।
फ्लेम को मैंने हल्का सा बढ़ा दिया है। इसमें बेसन का कच्चापन जो है बिल्कुल भी नहीं आता है, तो इसे मैं अच्छी तरह भूनना है। इसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया है गरम मसाला और सौंफ, आप चाहो तो सौंफ फ़ौरन के टाइम में भी डाल सकते हो। तो ये हमारा स्टफिंग तैयार हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट है, ये अच्छी तरह भून गया है। जब एक बार स्टफिंग ठंडा हो जाए उसके बाद ही इसे हम स्टफ़ करेंगे। तो हमें इसे इस तरह से स्टफ़ करने हैं, आप इसे हाथों से भी स्टफ़ कर सकते हो, चम्मच से अच्छी तरह अंदर तक जाता है। तो ये देखिए बड़ी ही आसानी से स्टफ़ हो गया है। तो आप एक बार इस तरीके से भरवा करेला बना कर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनता है और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। तो बाकी सभी करेलों को हमें इसी तरीके से भर लेने हैं, इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैंने यहाँ पे सभी करेलों को भर लिया है, अब इसे हमें फ्राई करने हैं, पकाना है। इसे हमें डीप फ्राई नहीं करने हैं, इसे हमें सैलो फ्राई ही करने हैं। तो पैन में मैंने डाल दिया है 2 से 3 चम्मच के करीब सरसों का तेल, और इसमें डालेंगे सरसों के दाने, इसे चटकने देंगे। अब एक एक करके करेले को डाल देते हैं और फ्लेम को हमें बिल्कुल लो रखना है, इसे हमें लो फ्लेम पे ही पकाने हैं जब तक यह सॉफ्ट ना हो जाए, अच्छी तरह पक ना जाए। तो पहले इसे हमें 2 मिनट के लिए बिना ढके हुए ही पकाना है। 2 मिनट बाद इसे हम इस तरह से पलट लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे इस तरह से पलट लिया है, अब इसे हमें ढककर पकाना है ताकि करेला अच्छी तरह पक जाए, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। फ्लेम को हमें बिल्कुल लो रखना है। इसका कलर देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा आ गया है, पर अभी भी यह कच्चा है। तो इसे हमें 5 मिनट के लिए और पकाना है, पलटने के बाद ढककर। तो इसे पकाने में 10 से 12 मिनट का टाइम लगता है। तो ये हमारा करेला अच्छी तरह पक गया है, कहीं से भी कच्चा नहीं है। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। ये हमारा भरवा करेला तैयार है, आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें, पराठे पूड़ी या चावल के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। होप्स आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।